इसराइल और ईरान के बीच युद्ध का औपचारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। अमेरिकी संसद में नेतन्याहू ने ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ नाटो जैसा सैन्य संगठन बनाने का भी ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कई देशों की सेनाओं से बनने जा रहे सैन्य संगठन को अब्राहम अलायंस का नाम दिया है। तो वहीं जर्मनी ने भी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जर्मनी ने ईरान के समर्थक संगठन पर बैन लगा दिया है। इसराइल का अब्राहम अलायंस दुश्मनों को नेतन्याहू का चैलेंज। एगो जैसी पावर बनेगा इसराइल। अब होंगे पूरी तरह खलास। अकेला इसराइल सभी दुश्मनों के होश उड़ाए हुए है। मिसाइल के धमाकों से, टैंकों की मार से, जंगी जेट से बारूद बरसाकर, फाइटर ड्रोन से इसराइल दुश्मन के घर में घुसकर उनके चीथड़े उड़ाए हुए हैं। जिसने भी इसराइल पर हमले की हिमाकत दिखाई उसे जोरदार पलटवार झेलना पड़ा। वो चाहे हमास हो, लेबनान के हिजबुल्ला हो, यमन के हुती हो या फिर ईरान जैसा पावरफुल नेशन, इसराइल को जिसने आंख दिखाई है उसे मुंहतोड़ जवाब मिला है। बावजूद इसके बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल को सुपर पावर अमेरिका जैसा अजेय बनाने का मिशन ऑन कर दिया है। नेतन्याहू के मिशन से पूरे अरब वर्ल्ड में हड़कंप मचा है। अमेरिका में नेतन्याहू ने ईरान का साथ देने वालों को डायरेक्ट धमकी दी है। साथ ही ये भी ऐलान किया है कि वो अब ईरान से आर पार के मूड में है। नेतन्याहू ने ईरान के समर्थकों को कैसे जुमले से नवाजा, सुनिए। Iran is funding the anti-Israel protests that are going on right now outside this building. Not that many, but they're there and throughout the city. Well, I have a message for these protesters. When the tyrants of Tehran, who hang gays from cranes and murder women for not covering their hair, are praising, promoting, and funding you, you have officially become Iran's useful idiots. नेतन्याहू ने ईरान को अलग थलग करने की प्लानिंग कर ली है। अरब वर्ल्ड में ईरान विरोधियों को एकजुट कर और दुनिया भर में ईरान के दुश्मनों को जोड़कर नेतन्याहू एक सैन्य संगठन बनाने के मिशन को शुरू कर चुके हैं। इस सैन्य संगठन को नेतन्याहू अब्राहम अलायंस का नाम देने वाले हैं। लेकिन इसका पूरा प्लान क्या है? क्यों इसराइल के दुश्मनों की टेंशन बढ़ गई है? गाजा युद्ध के दौरान आखिर नए सैन्य संगठन में कौन कौन इसराइल के साथ दिख रहा है, सब कुछ जानेंगे। एक एक कर नेतन्याहू के वॉर प्लान की डिटेल सामने आएगी। उससे पहले देखिए जर्मनी से आई ईरान और हिजबुल्लाह के लिए बहुत भयानक खबर। जर्मनी ने ईरान को दिया 440 वोल्ट का झटका। IZH के 53 ठिकानों पर मारा गया छापा। इसराइल को मिली जर्मन पावर, IZH पर बैन। नीली मस्जिद पर लटका दिया जर्मन ताला। When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city, every city that you come from, we're not only protecting ourselves, we're protecting you. इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ जाहिर है जर्मनी जैसा देश खुद ब खुद इस सैन्य संगठन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अमेरिकी संसद में गरजते हुए नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ नई टीम बनाने की रणनीति का ऐलान किया है। यानी सबसे विध्वंसक युद्ध का बिगुल बज गया है। ओपन ऐलान इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है।
ऐलान के साथ ये वार्निंग भी दी है कि युद्ध में ईरान पूरी तरह से तबाह होगा। इसराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। नेतन्याहू इसी दिन के इंतजार में थे कि ईरान से हिसाब लें, जिसकी वजह से अरब वर्ल्ड में उनका मुल्क खतरे में है। इसराइल के पीएम ईरान को आतंक की धुरी मानते हैं, वजह भी समझिए। लेबनान के सबसे ताकतवर हिजबुल्लाह फाइटर पर ईरान का हाथ है। गाजा और इसराइल के बीच छिड़ी जंग के बाद हर दिन हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ गोलियां और बम चला रहा है। ईरान अपने पड़ोसी देश इराक में कई शिया मिलिशिया समूहों का साथ देता है, जो इसराइल को निशाना बनाते हैं। यमन में ईरान हूथी विद्रोहियों का सबसे बड़ा समर्थक है। हूथी विद्रोहियों को हथियार से लेकर सभी तरह की मदद ईरान पहुंचाता है। इसी तरह ईरान सीरिया का सबसे बड़ा सहयोगी है। इसराइल के विरोध के बाद भी सीरिया में बशर अल असद की सरकार है। बशर अल असद सीरिया में इसराइल के ऑपरेशन का विरोध करते हैं। मतलब ये कि इसराइल के हर दुश्मन के तार ईरान से जुड़े हुए हैं, इसलिए अकेले सभी से भिड़ना इसराइल के लिए भी आसान नहीं। पहला हमला कौन और कब करता है, ये देखना अभी बाकी है।